हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स. चलो, हम अभी फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर में क्या क्या आएगा. अब जब सेकंड स्टैंडर्ड में आ गए हो तो कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, ये हम मैंने ये सब आपको बताया था. ओके, तो चलो आज हम कंप्यूटर का डीपली अंदर फर्स्ट चैप्टर क्या है वो देखते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट. चलो, कंप्यूटर का नेम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. ओके, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. चलो हम फर्स्ट से देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है. द वर्ल्ड कंप्यूटर हैज कम फ्रॉम, व्हाट इज कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो चलो हम देखते हैं, द वर्ल्ड कंप्यूटर हैज कम From the word compute, which means to calculate. मतलब कि computer word है वो compute में से बना है, और compute का मतलब होता है calculate. Calculate यानी कि calculator होता है जिसमें हम addition, subtraction, multiplication कर सकते हैं, उसको कहते हैं calculate. ओके, यानी कि कंप्यूटर है ये, उसके अंदर हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर कैसा मशीन है? इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. उसके अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क कर सकते हैं, लाइक एक साथ हम पेंट कर सकते हैं, फिर राइटिंग कर सकते हैं. ओके, कितनी सारे वर्क यहाँ पे हम कर सकते हैं. अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? वेरी फास्ट. इट्स सॉल्व डिफिकल्ट टास्क इन अ सेकेंड. एक साथ कितने सारे टास्क हो वो एक साथ हम मिनटों में ही, सेकेंड्स में ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मैनी फंक्शंस एट द सेम टाइम. एक साथ हम कंप्यूटर में कितने सारे वर्क कर सकते हैं? लाइक आप यहाँ पे देखो, मेरे पास एक कंप्यूटर है. ओके, मैं अभी लैब में ही बैठी हूँ तो मेरे पास कंप्यूटर है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कंप्यूटर एक साथ कैसे वर्क करता है. चलो देखो. मैंने ये पेंट खोल रही हूँ. डन. देन नोटपैड खोला. डन. इसको मैक्सिमाइज किया. फिर मैं खोलती हूँ एक कैलकुलेटर. देन मैं दूसरा खोलती हूँ. कुछ खोलती हूँ. और प्रोग्राम्स में जाके गेम्स खेलनी है तो गेम्स के अंदर, इसमें गेम्स नहीं है तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके मैंने एक्सेल खोला. ओके, ये मैंने कितना खोला नीचे आप देख रहे हो. 1 2 3 4 5. ओके, 5 चीज मैंने एक साथ खोली. तो हम लाइक मैं यहाँ पे हूँ बरोबर, तो मुझे कुछ इसका मल्टीप्लीकेशन या फिर सब्सट्रैक्शन करना है. ओके, तो मैंने ये किया, मेरा ये वर्क हो गया. साथ साथ मुझे ये करना है, इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है. ओके, ये लिख रही हूँ. ओके, फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे नोटपैड में है तो मैं नोटपैड में लिख रही हूँ. ओके, तो मेरा नोटपैड में भी हो रहा है. एंड देन मेरे पेंट है तो पेंट में मैं कुछ ऐसे ऐसे कुछ ड्राइंग बना रही हूँ. ओके, मेरा ये सब कुछ काम इसके अंदर हो सकता है. एक के साथ मैनी हम प्रोग्राम और सब होते हैं वो प्रोग्राम्स फंक्शंस एट द सेम टाइम हम सॉल्यूशन कर सकते हैं. फिर देखते हैं वापस बुक्स में. वी कैन लिसन टू म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स, ड्रॉ पिक्चर्स, चेक स्पेलिंग्स, डू कैलकुलेशंस एंड एक्सेट्रा ऑन अ कंप्यूटर. एक साथ हम म्यूजिक सुन सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, स्पेलिंग्स चेक कर सकते हैं
एंड कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो देखो, तो इसमें हो गया ये सब। ओके, इसमें कंप्यूटर में भी मैंने बताया एक साथ कितने ये सारे वर्क्स कर सकते हो। फिर नेक्स्ट, वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय यूजिंग कंप्यूटर। आपको किसी को भी वर्ल्ड में किसी को भी मैसेज सेंड करना हो, मतलब कि कुछ कहना हो, तो मैसेज के थ्रू आप इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो। इट कैन स्टोर अ लॉट्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इसके अंदर हम लॉट्स ऑफ डेटा एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। अ कंप्यूटर हैज फ्रॉम मेन टास्क टू डू विच हेल्प्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट, इट एक्सेप्ट्स द डेटा गिवन बाय यूजर। यूजर के पास से कुछ भी हम लेते हैं तो इसको कहते हैं इनपुट। लाइक मैं आपको क्या अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको क्या दे रही हूँ, इनपुट दे रही हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट, इट्स वर्क ऑन डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। मतलब डेटा को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी हो तो उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। फर्स्ट क्या आया, कोई यूजर के पास से कोई डेटा हम ले तो उसको कहते हैं इनपुट। लाइक मैं हूँ तो यहाँ से कीबोर्ड से कुछ भी यहाँ पे डेटा दे रही हूँ इसको। ओके, ये मेरा नोट पैड है, नोट पैड को मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ओके, किल स्टैंडर्ड टू लेक्चर टू, आज मेरा टू लेक्चर है। देखा, मैंने कीबोर्ड में से इसको मैंने इंफॉर्मेशन अभी दी तो कीबोर्ड मेरा क्या बना, कीबोर्ड मेरा बना इनपुट डिवाइस। हो रही है क्या बना, जिसमें मुझे आउटपुट दिखाया वो आउटपुट डिवाइस। एंड फिर ये सब मैंने यहाँ से प्रेस किया तो वो सीपीयू के अंदर गया था पहले डेटा डालने के लिए, तो वो बना मेरा प्रोसेसिंग डिवाइस। डन, चलो देखते हैं नेक्स्ट। इट गिव्स द डिजायर्ड रिजल्ट। हमें डिजायर रिजल्ट, मतलब कि मैंने यहाँ पे इसे लिखा था स्टैंडर्ड टू लेक्चर टू, तो मुझे वही दिखा कि स्टैंडर्ड टू लेक्चर टू। ओके, तो उसको कहते हैं आउटपुट। फोर्थ, इट स्टोर द रिजल्ट इन अ स्टोरेज। पर ये कहीं पे तो स्टोर होगा ही, तो इसको कहते हैं स्टोरेज। फिर ये है मेन, अभी हम ये ध्यान से देखेंगे। सीपीयू बॉक्स, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको फुल फॉर्म लर्न करना है। सबको स्पेलिंग अच्छे से आना चाहिए, आपकी मम्मा को ये लर्न करके रीड करके बताना है। इट प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन एंड कैन स्टोर द रिजल्ट। रिजल्ट स्टोर होगा एंड इन्फॉर्मेशन, इट प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड कैन स्टोर द रिजल्ट। ओके, इसका मतलब है कि इसके अंदर रिजल्ट एंड इन्फॉर्मेशन